चलिए बड़ी खबर अब कौशाम्बी से मिल रही है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच ईंट पत्थर चले, कोचिंग से प्लॉट रही छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं। विवाद में तोड़फोड़ और आगजनी का भी प्रयास किया गया। गांव में भारी पुलिस, जिसके बाद तैनात किया गया है पाइंस थाना के राम साहेबपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि कोचिंग से जब छात्रा लौट रही थी तब उसे गंभीर चोटें आई। विवाद में तोड़फोड़ और आगजनी का भी प्रयास किया गया है, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। पूरा गाँव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद ही विवाद इतना बड़ा कि लाठी डंडे चल गए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो विवाद हुआ था दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, और देखिए किस तरह से लोग घायल हुए बुरी तरह से, जिनके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है।